अध्याय सात, परम ज्ञान, श्लोक नंबर सात। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। यह सारा जगत मुझ पर उसी तरह निर्भर है जैसे धागे में मोती पिरोए रहते हैं। श्री कृष्णा व्यूअर्स, भगवान जी स्पष्ट रूप से हमें बता रहे हैं कि उनसे ज्यादा श्रेष्ठ ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। आप खुद सोच के देखिए, जिसने पूरा ब्रह्मांड ही बना दिया, उससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है? तो जब भी आपको लगे कि कई बार इंसान की होता है ना, मुझे बेस्ट बनना है या बेस्ट कौन है, तो बेस्ट कौन है, बेस्ट का बेस्ट का बेस्ट का बेस्ट के सबसे ऊपर चल जाओ, तो वही भगवान जी हैं। देखिए, संसार में भी होता है, आप कोई क्रिकेट खेलता है या टेनिस, तो उसमें होता है कि बेस्ट क्रिकेटर कौन है, बेस्ट टेबल टेनिस का प्लेयर कौन है, फिर उनके रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने क्या रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अच्छा, बेस्ट पॉलिटिशियन कौन है, बेस्ट बॉलीवुड स्टार कौन है, ये चलता रहता है हमेशा समाज में, बेस्ट कौन है ना। लेकिन इस एक श्लोक से समझ आ गया हमें सबको कि बेस्ट कौन है। एक क्रिकेट स्टार जिसको आप तारीफ करते हो, या एक बॉलीवुड स्टार जिसकी आप तारीफ करते हो, हॉलीवुड स्टार की तारीफ करते हो, किसी भी पॉलिटिशियन की आप तारीफ करते हो, वो तो क्षणिक है, और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो पर्टिकुलर एक फील्ड को लेके है। लेकिन उन सबको बनाया किसने है? अगर एक साइंटिस्ट से बड़े प्रभावित है हमने कि उसने पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी निकाल दी, पर उस साइंटिस्ट को वो बुद्धि किसने दी है, राइट? हम कई बार एक मैजिशियन से बड़े इंप्रेस हो जाते हैं कि देखो, उसने ऐसे जुजाबरा गड़ाबरा किया और उसने कबूतर निकाल दिया, वाह क्या मैजिकल पावर्स हैं उसके पास। ब्रह्मांड में देखिए तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्लैनेट्स ऐसे घूम ही जा रहे हैं, हवा में उड़ी जा रहे हैं। तो भगवान की साइंस के ऊपर कोई साइंस नहीं है, भगवान की इंटेलिजेंस के ऊपर कोई इंटेलिजेंस नहीं है। तो हर एक चीज़ में जो बेस्ट है, आर्ट में बेस्ट कौन है? देखिए, आप आर्ट वर्क देखते हैं किसी का, पेंटिंग, तो पेंटिंग से हम इंस्पायर हो जाते हैं, बट अगर आप नेचर को देखो तो इससे बढ़िया पेंटिंग क्या हो सकती है? जो भी आर्टिस्ट भी है वो उस नेचर को ही तो कॉपी करके अपने भावों को जोड़ के कुछ बनाने की कोशिश करता है ना। भगवान का आर्ट वर्क क्या है? ये सूरज, ये पक्षी, ये गगन, ये समुद्र, सब कुछ तो भगवान का आर्ट वर्क है। तो सबसे बेस्ट आर्टिस्ट कौन सा हुआ? भगवान जी। सबसे बेस्ट डांसर कौन है? भगवान जी। सबसे बेस्ट सिंगर कौन है? भगवान जी, है ना। सबसे बेस्ट पॉलिटिशियन स्ट्रेटेजिस्ट कौन है? भगवान जी। सबसे बड़ा लवर कौन है? भगवान जी। सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है? भगवान जी। सबसे अच्छे पेरेंट्स कौन बन सकता है? भगवान जी। तो इस तरह से आप अगर चलोगे, बिकॉज जिसकी ह्यूमन लेवल पे जिसकी भी स्किल्स आपको सबसे अच्छी लगती है ना, अगर आपने ये पकड़ लिया कि वो जो स्किल्स और जो टैलेंट है उस व्यक्ति के अंदर, वो सब कुछ, वो योग्यता प्रभु से ही आई है, और उस व्यक्ति की जो योग्यता है वो तो रेत के कण के बराबर भी नहीं है, क्योंकि वो सब आई जो ओरिजिनली है वो भगवान जी से आई है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो दिल है वो भगवान के लिए धड़कना शुरू हो जाएगा। और भगवान ने बताया है कि जैसे एक सुंदर सी माला होती है, उसमें एक धागा होता है ना, धागा होता है तो मोतियों की माला एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे समझ लीजिए कि ब्रह्मांड में ये सब कुछ जो चल रहा है ना, टाइम पे सूरज उगता है, फिर चंद्रमा आ जाता है, पक्षियों का एक चहचहाने का समय होता है, हर एक चीज़ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से चल रही है, तो इसको बांधे हुए कौन है? इनफैक्ट हम सब भी जब भक्ति करते हैं, हम सब मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल गोलोक एक्सप्रेस में बड़ी बार कहता हूँ कि कहाँ मैं 2008 में आत्महत्या करने वाला था, 2009 में भगवान से जुड़ा, भगवान की कृपा से, और जब से गीता पढ़ाना शुरू की तो कैसे इतने सारे भक्त वर्ल्ड वाइड जुड़ते गए, आज हम आनंद ले रहे हैं इकट्ठे। तो हमारे बीच का धागा कौन है जिसने सबको जोड़ा हुआ है, हम सबको जोड़ा हुआ है? वो जो धागा है वही भगवान जी हैं। हम गोलोक एक्सप्रेस ये भी कहते हैं कि फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर ग्रोज टुगेदर। जितना वो उस धागे को सेंटर में रखोगे, तो चाहे फैमिलीज हों, कम्युनिटीज़ हों, सोसाइटीज़ हों या नेशंस हों, सब लोग जुड़ के चलेंगे। और जहाँ पे भगवान वाले इस धागे को इग्नोर किया जाएगा, वहाँ सब कुछ बिखरना शुरू हो जाएगा, है ना। श्रीमद् भागवत गीता की जय।